हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि मेरे चैनल के फर्दर नोटिफिकेशंस आपको आते रहें। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें थैंक यू सो वेरी मच। आज मैं रिव्यू कर रही हूं लैक्मे 925 सीसी क्रीम। मार्केट में बहुत प्रोडक्ट्स आते हैं, पर हमारा ये जानना और समझना बहुत जरूरी है कि वो प्रोडक्ट क्या है और उस प्रोडक्ट की हमें जरूरत है या नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं कि मार्केट में जो भी प्रोडक्ट आए वो सब हमारे काम के हों। इसलिए इस प्रोडक्ट के बारे में पहले मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देती हूँ। वेल, दिस सीसी क्रीम इज अ लैक्मे ब्रांड और लैक्मे से हमेशा बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होते हैं, क्योंकि वो इंडियन ब्रांड है और अराउंड 70 ईयर्स से वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स ला रही है। तो जब भी लैक्मे का कोई प्रोडक्ट आता है तो डेफिनेटली उससे एक्सपेक्टेशंस हमें बहुत ज्यादा होता है। नाउ लेट्स कम बैक टू द प्रोडक्ट, लैक्मे 925 सीसी क्रीम। जी हाँ, ये सीसी क्रीम है और ये फाउंडेशन नहीं है, इट्स अ कॉम्प्लेक्शन केयर क्रीम। बहुत लोग इसे फाउंडेशन से कंफ्यूज कर देते हैं, तो वो आप ना करें। लैक्मे क्लेम्स इट मॉइस्चराइजेज योर स्किन, ब्राइटन्स योर स्किन, इवन टोन करता है आपके कम्प्लेक्शन को, और इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम यूवी रेस। जी हाँ, इट हैज SPF 30 PA++, जो आपको हार्श यूवी रेस से बचाता है। सो इट इज एन ऑलराउंडर फॉर यू। इस प्रोडक्ट से अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मेरा पहला एक्सपीरियंस इस प्रोडक्ट को लेकर बहुत खराब था, क्योंकि मैंने इसके बहुत ज्यादा क्वांटिटी लगा दी थी और वो बहुत हेवी हो गया था मेरे फेस के लिए मेकअप, और बहुत ड्राइनेस क्रिएट हो गया था मेरे फेस पे। सो आई गॉट रियली डिसअपॉइंटेड कि लैक्मे ने ये कैसा प्रोडक्ट निकाला है। बट इसे जब मैंने 2-3 बार यूज किया, फिर मैंने रियलाइज किया कि इसका टेक्सचर बहुत हेवी है और हमें इसे बहुत कम क्वांटिटी में लगाना है। हमें इसे एज अ फाउंडेशन नहीं है, एज अ सीसी क्रीम ही अप्लाई करना है। अगर मैं आपको इसका डेमो दूं तो आपको शायद बेटर समझ में आएगा। बहुत कम क्वांटिटी आपको इसका लेना है, तो इससे ज्यादा आपको लेना ही नहीं है, और इसको आपको अपने फेस पे टैप कर देना है, फुल फेस पे, और उसके बाद धीरे धीरे आपको अपने फेस पे इसको रब करना है। अगर आप इसका टेक्सचर सामने से देखेंगे तो ये टेक्सचर बहुत हेवी है और इसे बहुत ज्यादा आपको नहीं लगाना है, नहीं तो आपके फेस पे बहुत ड्राइनेस आ जाएगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। इसमें 4 शेड आते हैं। मैं जो शेड यूज कर रही हूं वो है 01 बेज। आप अपने कम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग अपना शेड ऑर्डर कर सकते हैं। मैं चारों शेड्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। ये आपके स्किन को ब्राइटन करता है, मॉइस्चराइज करता है और एक इवन टोन देता है। मैंने अपने फेस पे भी अभी यही लगाया है 01 बेज कलर, तो आप मेरा कम्प्लेक्शन भी देख सकते हैं। ये फाउंडेशन का काम तो नहीं करता है, क्योंकि एक्ने मार्क्स दिख रहे हैं और थोड़े बहुत डार्क स्पॉट्स भी दिख रहे हैं, लेकिन इट इज लाइक अ मेकअप नो मेकअप लुक। ये प्रोडक्ट बेस्ट सूटेबल है उनके लिए जिनका प्रोफाइल ऐसा है जहां उन्हें एवरीडे ग्रूम्ड अप दिखना है, लेकिन इतना टाइम और एनर्जी नहीं है कि रोज प्राइमर और फाउंडेशन और हेवी मेकअप लगाए, देन दिस इज द प्रोडक्ट फॉर यू। इनफैक्ट अगर आप इवनिंग में कहीं जा रहे हैं या डिनर पे जा रहे हैं जहां आपको एक लाइट मेकअप करना है और अपने फेस को सिर्फ थोड़ा सा ब्राइटन अप करना है, देन दिस इज द प्रोडक्ट फॉर यू। डे टाइम पे भी आप यूज कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को, एज आई सेड इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम यूवी रेज। सो लैक्मे सीसी क्रीम इज अ गुड प्रोडक्ट फॉर लाइट मेकअप एंड आप इसे जरूर लगा सकते हैं। अगर आपको वंस इन अ वाइल लगता है कि आप और कोई मेकअप नहीं करना चाहते और आपको थोड़ा हेवी लुक चाहिए, तो आप इसका 2 कोट लगा सकते हैं फॉर अ लिटिल हेवियर लुक, वरना 1 कोट इज इनफ। सो लैक्मे 925 सीसी क्रीम इज अ ग्रेट प्रोडक्ट बाय लैक्मे, आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको लाइट मेकअप करना है या आप ऐसे कोई प्रोफाइल में है जहां आपको ग्रूम्ड अप दिखना है एवरी डे लेकिन हेवी मेकअप आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो दिस इज द वन फॉर यू। और अगर आपने ये प्रोडक्ट यूज किया है या यूज करने वाले हैं तो कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गर्ल्स। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।